हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में उन जगहों की, स्टेशंस की, सड़कों की और गांवों के बात करेंगे जिनके नाम अब बदल दिए गए हैं। इस वीडियो में हम केवल मुख्य जगहों के नाम ही पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से कस्बे, गांव, स्टेशन, रोड हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं, परंतु अब HSSC ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए सभी को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ अब रिवीजन करनी है और महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, केवल वही करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो हरियाणा करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर अलग अलग वीडियो, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे क्वेश्चंस उसमें, और हरियाणा पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, उन सब पर वीडियो मैं जल्द ही एग्ज़ाम से पहले डाल दूंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नाम बदला गया है वो है इलाहाबाद का। ये हाल ही में इलाहाबाद को प्रयागराज नाम दे दिया गया है। ये इंडिया जीके का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा के, उन सब में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। ये आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद यूपी में है, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ पर संगम होने की वजह से इसका नाम प्रयाग कर दिया गया है। वहाँ की यूपी की सरकार, बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के CM है, उन्होंने प्रस्ताव रखा था और फिर इसका नाम बदल दिया गया। अगला है औरंगजेब रोड। इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। ये दिल्ली में स्थित है और ये पहले किया गया था। तीसरा है मुगल सराय जंक्शन। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मुगल सराय जंक्शन जो कि यूपी में है और यह एक रेलवे स्टेशन है यूपी में, ये लगभग 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन है और इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा मुगल सराय जंक्शन के बारे में कुछ बातें। एक तो यह 150 साल पुराना है, दूसरा यह यहाँ से, इस स्टेशन से पूर्वी भारत की तरफ सर्वाधिक ट्रेन्स चलती हैं और इसका नाम बदलने पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने और प्रमुख पार्टियों ने इस पर बहुत विवाद किया था। वहाँ की पार्टीज़, जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ बताया था। हम अपना अगला करते हैं, फोर्थ। अगला है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अब ये प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग क्या है, यह हम जब हम अपना पॉलिटी का कोर्स करेंगे तब वहाँ पर विस्तार से इसे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। हुआ तो ये पहले था, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके बारे में हम पॉलिटी का कोर्स जब मैं आपको करवाऊँगा तो वहाँ पर पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है रेस कोर्स रोड, जिसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। अब ये रेस कोर्स रोड या लोक कल्याण मार्ग है क्या? यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री का रेसिडेंशियल मार्ग, यानी कि रेसिडेंस है इस मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो हरियाणा से रिलेटेड है सारे, और ये सिर्फ मैं मोस्ट इम्पोर्टेड करवाऊंगा, क्योंकि वैसे तो 25 से 30 ऐसे कस्बे या गांव हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन अब समय नहीं है उनको इतना पढ़ने का, तो हम इस क्लास में सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं केवल वही पढ़ रहे हैं। तो अगला है बल्लभगढ़, जो कि फरीदाबाद में स्थित है, जिसका नाम बलरामगढ़ कर दिया गया है। अब नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि किस लिए और किसके नाम पर यह रखा गया है। यह रखा गया है बलराम जी के नाम पर, और आपको पता ही होगा कि बलराम जी कौन है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। अगला क्वेश्चन है, खिजराबाद जो कि यमुनानगर में स्थित है, उसका नाम बदलकर प्रताप नगर कर दिया गया है। अगला है भोंडसी, जो कि गुरुग्राम में स्थित है, उसका नाम भुवनेश्वरी ग्राम कर दिया गया है। अगला है अमीन गांव, जो कि करनाल में स्थित है, जिसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। इसमें भी नाम से ही पता चलता है अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन है आप सभी को पता है, यह एक पांडव था। अगला है मुस्तफाबाद, जो कि यमुना नगर में स्थित है, और इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। अगला है गढ़ी सांपला, जो कि रोहतक में स्थित है, और इसका नाम कर दिया गया है सर छोटू राम जी के नाम पर, छोटू राम नगर। और इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने रोहतक में ही छोटू राम जी का स्टैचू का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों के नाम जिनके नाम अब बदल दिए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे जगह है जिनके नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण जगह थी जो आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको यह वीडियो? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरी नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स पे आने वाली है, जो कि एग्ज़ाम से पहले ही आ जाएगी, और उसके बाद हम पॉलिटी के लेक्चर शुरू करेंगे और उसके बाद इकोनॉमिक्स के। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द उन पर कोर्स शुरू करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के लिए प्रेरणा देती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।